नमस्ते सभी को। नमस्ते भानु भैया, नमस्ते भैया। साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। भैया नमस्ते। हम लोगों ने कल जो चर्चा किया था उससे संबंधित ये ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास किया होगा कल। तो कल तो ये बात हुई थी कि जब भी हम इस निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने को ध्यान में रखकर देखते हैं तो ये तीन अभ्यास महत्वपूर्ण लगते हैं। एक तो स्वयं को से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को सही सही समझना और सही जो भी स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को सही सही समझ रहे हैं उसमें मेरी जो ये भागीदारी है संपूर्ण अस्तित्व में, वैसा मेरा भाव हो जाए, विचार हो जाए, तो अपने भाव विचार को सही सही सुनिश्चित करना। ये दो प्रमुख काम है जो अपने भीतर होने सेल्फ है। फिर इन दोनों के आधार पर, इन दोनों बेस में रहते हुए इसके आधार पर बाहर व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी करते हुए जीने का अभ्यास, जिसमें तीसरा जो काम है व्यवहार कार्य और व्यवस्था में भागीदारी करते हुए जीने का काम, ये तो जहां जहां जब जब आवश्यक पड़ता है तो करेंगे, लेकिन ये भीतर जो काम दो चल रहे हैं अपने में सही सही समझने का काम स्वयं से लेकर सब पहुंचते तक और अपने भाव विचार को सही सही सुनिश्चित करने का काम, ये तो निरंतर चलने वाला एक काम। ये तीन बातों पर ध्यान गया था, तीनों को हम लोग इस मॉर्निंग सत्र में ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस क्रम में हम लोगों ने पहले और दूसरे पर जो भी मतलब उसके लिए हम लोगों ने दो तरह के अभ्यास पर यहाँ पर तय किया था करने को। एक तो हम लोग ये अभ्यास करेंगे कि सेल्फ को सेल्फ से देखने का, और दूसरा ये भी अभ्यास करेंगे कि जड़ को सेल्फ से चैतन्य से देखने का, जड़ और चैतन्य सबसे। तो उस क्रम में हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो तीन महत्वपूर्ण बातें ध्यान में आई थी कि अगर अस्तित्व तो समग्र पर ध्यान दे तो तीन तरह की वास्तविकताएं हम देख पाते हैं। एक जड़ उदाहरण है उसका शरीर, दूसरा चैतन्य जिसका उदाहरण है सेल, और तीसरा ये स्पेस। जड़ और चैतन्य इकाइयों के जो समूह है जिसको प्रकृति कह रहे हैं, ये स्पेस में को एग्जिस्टेंस में। तो तीन बातें ध्यान देने की है समझने के क्रम में, एक तो जड़, दूसरा चैतन्य और तीसरा स्पेस। तो ये भी चर्चा किया था कि तीनों में क्रम क्या होगा, एक नंबर पे क्या होगा, दो नंबर पे क्या होगा, तीन नंबर पे क्या होगा। किसी भी विधि से उसको ध्यान देने का प्रयास किया जा सकता है, चाहे जहां से भी शुरू करें, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहले सेल्फ को ध्यान देना चाह रहे हैं, सेल्फ को समझना चाह रहे हैं, फिर बॉडी को, फिर स्पेस। इस क्रम से हम लोगों ने तय किया था। जब सेल्फ पर ध्यान देने का काम शुरू किया तो ये कैसे होगा उस पर बात इतने दिनों से कर रहे हैं कि हमारे भीतर जो एक्टिविटी चल रही है उस पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे, बैठ कर कहीं जगह पर या फिर चलते। उस क्रम में इस बात पे भी चर्चा चल रही थी कि जो भी हम अपने भीतर चलता हुआ देख रहे हैं इस कल्पनाशीलता की जगह, उसको देखने के लिए हमको आंखों की जरूरत है या सेल्फ उसको सीधे सीधे देख सकता है। इस पर कल चर्चा हुआ था तो ये बात ध्यान में आई थी कि आंख तो एक तरह का यंत्र है जिसका प्रयोग सेल्फ करता है बाहर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में सूचनाएं रिसीव करने के लिए, लेकिन उसको देखता तो सेल्फ ही है, और भीतर जो चल रहा है उसको तो देखने के लिए आंख की जरूरत का प्रयोग करने की भी जरूरत, उसको तो सीधे सीधे ही सेल्फ अपने भीतर देख सकता है। तो हम लोग अपने भीतर जो कल्पनाशीलता में चल रहा है उसको देखने का काम कल शुरू किए थे। तब उसमें ये प्रश्न आया था कि जो भी हमारी कल्पनाशीलता में चल रहा है उसका विषय वस्तु क्या है, इस विषय वस्तु को लेकर हमारी कल्पनाशीलता चल रही है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और वो बहुत रेंडमली बदल रहा है, या जिस वस्तु को मैं समझना चाह रहा हूं उस पर पूरी तरह से ध्यान दे पा रहा हूं। तो अपने भीतर ध्यान दे करके देखना था कि हमारी कल्पनाशीलता जड़ के बारे चल रही है, चैतन्य के बारे चल रही है, स्पेस के बारे चल रही है।
तीनों में किसके बारे में चल और मैं किस पर फोकस कर रहा हूँ, और जब अपने पर फोकस कर रहा हूँ कल्पनाशीलता में भी, तो भी उसमें बाहर के जड़ वस्तुओं का, दूसरे लोगों का भी बहुत सारा चल रहा है, या अपने पर प्राथमिकता पर मैं अपने पर ध्यान दे पा रहा हूँ कि मेरी जो कल्पनाशीलता चल रही है उसके पीछे भाव क्या है। तो इनको हम लोगों ने कल ध्यान देने के लिए एक्सरसाइज को शेयर किया था, आप सब लोगों ने इस पर थोड़ा ध्यान दिया होगा कि आपकी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। जो चल रहा है वो आप निर्णय पूर्वक उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, या थोड़ा आपका निर्णय है थोड़ा अपने आप बदल जा रहा है, या पूरी तरह से निर्णय पूर्वक जब जरूरत लग रही है आप बदलाव कर रहे हैं। और जो भी ऑब्जेक्ट हमारी कल्पनाशीलता में चल रहा है, जिसको भी हम समझने के लिए तय कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे पा रहे देख पा रहे हैं, खुद को जब सेलेक्ट कर रहे हैं खुद को समझने का, तो खुद पर भी ध्यान दे पा रहे हैं, भाव क्या है, विचार क्या है, ये सबको ऑब्जर्व करने का हम लोग कल प्रयास किए थे। तो इस पर आपका जो भी ऑब्जर्वेशन रहा है उस पर हम लोग शेयरिंग को सुन सकते हैं, या किसी का कोई प्रश्न है तो इस पर बात कर सकते। भानु भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते नमस्ते। सर। सर अगर हम जीने की एक डायमेंशन को देखें तो यही है कि हम म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रोस्पैरिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन, भाई जीने का मकसद ही हम लोगों का म्यूचुअल वो अभय सुख है, तो उभय उसमें सुख बिल्कुल उभय सुख और उभय समृद्धि, तो ये आंसर सही है क्या? इस मेथडोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं? थोड़ा आपका क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। तो जीने की डायमेंशन जो है वो क्या हम हमारा उभय सुख और उभय समृद्धि है? ये तो हमारे विचारों से ही तो ये विषय वस्तु हमारे पास आती है कि हम मैं भी खुश रहूं, दूसरा भी खुश रहे, मैं भी समृद्ध रहूं, वो भी, दूसरा भी समृद्ध रहे। तो इसी जीने का मकसद ही यही है मेरे को जहां तक लगता है। तो अगर ये हम अपने थॉट्स में इसको एक सेटअप लेकर मैं इस मेथडोलॉजी को डिफाइन करें तो ये आंसर क्या सही लगता है? ये तो ठीक है कि हम अपने से पूछ कर देखें कि क्या नेचुरली एक्सेप्टेड है, म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी नेचुरली एक्सेप्टेड है या नहीं यस है है। तो ठीक जी। है हमारे लिए, अब म्यूचुअल हैप्पीनेस म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होगा, तो अपने को भी समझना होगा, दूसरे को भी समझना होगा, क्या अगर दूसरे को नहीं को भी समझ आता समझना तो होगा। उसमें मदद करेंगे। पहले तो मैं ही खुद को समझ पाऊं और दूसरे को भी समझ पाऊं, तब तो मैं उसकी मदद कर पाऊंगा कि वो भी खुद जी को जी समझ जी ले और मेरे को समझ ले, तो हम जी जी म्यूचुअली बिल्कुल ठीक ही पाएंगे। और जब प्रकृति के साथ देखने जाएंगे तो वहां पर भी मुझे खुद को समझना है और जड़ को भी समझना है, और जड़ के साथ जी क्या पार्टिसिपेशन करना है ये तो मेरे को ही समझना है, उसमें तो जड़ को समझना भी नहीं। किसी ने तो कोई वस्तु घर में मैंने स्टोर करके रखा है, उसका सदुपयोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये वस्तु को थोड़े समझना है, कपड़े को थोड़े समझना है कि भाई तुम अपना सदुपयोग करो, तो करने वाले को समझना है कि उसका सदुपयोग करे, तो उस केस में तो हम ही को समझना है। और दूसरे जी व्यक्ति के साथ भी जहां तक बात है, ये उसका च्वाइस है कि वो कब ध्यान देगा किस वस्तु पर और किसको कब समझेगा, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से तो तय कर सकते हैं कि हम किस वस्तु पर कब ध्यान देंगे, किस पर प्राथमिकता रखेंगे, किसको समझेंगे। उस तो अर्थ में अगर दूसरा समझने के काम में लगा है तो भी हम सही समझने का प्रयास करेंगे, नहीं लगा है तो भी हम करने का प्रयास करेंगे। इस अर्थ में देखते हैं तो ये बात ध्यान में आती है कि प्रमुख काम तो खुद से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को सही सही समझना है, फिर मेरा उसमें निश्चित भागीदारी क्या है, वैसा अपने भाव विचार को सुनिश्चित करना है, वैसा करते हुए बाहर व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी करते हुए व्यक्त होना है, अपने प्रति पूर्वक जीने के लिए। तो ये तीन काम है। इस प्रक्रिया में हमको कई बार दिखता है कि दूसरा आदमी जो हमारे साथ जी रहा है वो काफी बेचैन है, काफी छटपटा रहा है,
हम उसका भी ध्यान दिला पाते हैं कि मैं ये तीन काम जिंदगी में बांटता हूँ, ये तीनों को करना जरूरी है कि नहीं, उसका ध्यान जाएगा तो वो भी करेगा और वो भी इस प्रक्रिया से अपने इस बेचैनी से बाहर निकल सकता है। तो पूरा जीने का जो फैलाव है इस क्रम में दिखता है। जी जी, धन्यवाद सर। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया ये जो अभी कुछ दिन से सेल्फ को ऑब्जर्व करने की और जड़ को ऑब्जर्व करने की जो प्रैक्टिस चल रही है, और उसके साथ ही ये बात की व्यापक है और सभी इकाइयां जो हैं जड़ और चैतन्य ये व्यापक में डूबी भीगी घिरी हैं, और अस्तित्व जो है सह अस्तित्व है, ये सारी जो सूचनाएं आई थी और इन पे मतलब ये सूचना के रूप में बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। लेकिन जब आपने कहा कि ऐसे सेल्फ को देखना है और कितने टाइम ध्यान जो है वो जड़ पे रहता है, कितने टाइम ध्यान सेल्फ पे रहता है, तो मैं ये देख पाई कि मैं उस तरह से नहीं देख रही थी जिस तरह से एक्चुअली देखना होता है। देर इज डिफरेंस बिटवीन हैविंग एन इंफॉर्मेशन और उस चीज को देखना। और ये भी मैं देख पाई हूँ कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, बहुत ही छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ टाइम होते हैं जब ये चीज ध्यान में आती है, और सोचते सोचते ही फिर कहाँ फिसल जाते हैं ये पता ही नहीं लगता है। और अभी देख पा रही हूँ कि मतलब ये जो सूचनाएं, ये जो मॉर्निंग सेशन या और भी जो सेशंस हैं उनके थ्रू जा रही हैं, तो लगातार जो विचार हैं वो इन्हीं के ऊपर मतलब अब ऐसा मोस्टली होने लगा है कि पूरे दिन विचार इन्हीं से रिलेटेड चलते हैं, लेकिन वो विचार भी कंट्रोल्ड नहीं होते हैं, डायरेक्शनल नहीं होते हैं। जैसे पहले दूसरे विचार चलते थे स्वयं को शरीर मान के, और वो जैसे चलते थे, अब उनकी जगह पे ये विचार चलने लगे। लेकिन ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा सजगता के साथ में तो नहीं है, तो भैया इसका प्रोसेस यही है या सजगता कैसे बढ़ाई जाए, ये मेरा प्रश्न है। जी देव, तो ये एक अच्छी बात है कि हम अपने कल्पनाशीलता के प्रति बहुत सारे समय अवेयर रह पा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण शिफ्ट है। साथ में अब धीरे धीरे ये भी ध्यान में आ रहा है कि उसका विषय वस्तु क्या है, कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये भी अवेयरनेस हमारी बढ़ी है कि ज्यादातर समय उसमें जड़ वस्तुएं या बाहर की वस्तुएं चला करती थी। अभी कुछ दिनों से ध्यान जा रहा है तो मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, यह उसमें शामिल हो गया है। तो कई बार हम अपने पर ध्यान बनाए रख पाते हैं, कई बार फिर वापस ध्यान कहीं और चला जाता है। तो ये शिफ्ट चलता रहता है। और जब अपने पे भी ध्यान बनाए रखते हैं तो अपने कल्पनाशीलता में बहुत सारी चीजें चलती हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं लगती, बहुत सारा एक तरह से जिगजैग दिखता है। तो ये कुछ उपलब्धियां तो हुई हैं जिसको हमें अपने में अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि हमने जितना समय लगाया है इस काम के लिए उसमें ये सब उपलब्धियां हुई हैं। लेकिन आगे और बहुत सारी उपलब्धियां आती होंगी, ये बात भी ठीक है। तो उसके लिए धीरे धीरे हर बार अगला स्टेप अपने ध्यान में आए, फिर हम उसका अभ्यास कर सके। तो इस प्रक्रिया में इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये ध्यान में आया है, ये अभी दोनों चल रहा है, और जब अपने में भी चल रहा है तो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं चल रहा है। तो अब हम अगले स्टेप पर यह ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन जब मैं ध्यान दे रहा हूं तो पहले किस पर ध्यान दूं फिर किस पर ध्यान दूं, ये क्रम तो मुझे अपने में तय करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा किया था कि ध्यान देने का विषय वस्तु तो पूरा अस्तित्व ही है, इसमें जड़ भी है, चैतन्य भी है, और ये स्पेस भी है। अगर हम तीनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो हम अपनी कल्पनाशीलता में प्राथमिकता ऑर्डर तय कर लें। पहले कुछ दिन हम सेल्फ पर ध्यान दें, बाकी दो पर उतना प्राथमिकता से ध्यान नहीं देंगे। धीरे धीरे जब सेल्फ ठीक से समझ में आने लग जाए, ऑर्गेनाइज होने लग जाए, फिर हम जड़ पर ध्यान दें।
दोनों पर ध्यान देते हुए आगे चलकर स्पेस पर भी ध्यान दें, तो इस तरह से एक क्रम अपनी कल्पनाशीलता में तय कर लेंगे, उसको निश्चित कर लेंगे, तो ज्यादातर समय जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप तय करेंगे उस पर ध्यान बना रह पाएगा। फिर ये जो विचारों में इतनी भगदड़ है वो कैसे ऑर्गेनाइज हो, उस पर काम शुरू हो पाए। तो उसका जो अगला कदम है वो ये है कि जो भी हम अपने भीतर चलते हुए ये बहुत सारे विचार देख रहे हैं, तो उस क्षण ये देखने की कोशिश करें कि ये विचार किस भाव से जुड़े हुए हैं, उसके पीछे भाव क्या है। वो हमारे ध्यान में आएगा, फिर हम उस पर काम जब शुरू कर पाएंगे तो धीरे धीरे विचारों में जो उसमें पकड़ है, शिक्षा वो भी धीरे धीरे पहुंचते होगा जिस पर हम लोग आगे और बढ़। हाँ जी भैया, ये चीज आप जो कह रहे हैं वो करने की और प्रयास रहेगा, लेकिन अभी एक चीज और मैं जो देख पा रही हूँ कि मेरे साथ हुआ है, वो शायद मैंने पहले ही शेयर किया था कि करीब 15-20 दिन जो है जब से ये मॉर्निंग सेशन रहा है, तो उसमें मेरी कल्पनाशीलता जो थी वो बहुत ज्यादा संवेदना और जो प्री अजम्पशंस हैं, मान्यताएं, उनके ऊपर आधारित थी, और इतनी ज्यादा कि मतलब सहज स्वीकृति और भाव मैं देख ही नहीं पा रही थी। मैं देखने का प्रयास करती और फिर से वही जैसे वो घटनाएं और घटनाओं से जुड़ी संवेदनाएं याद आती और उसके पीछे मेरी मान्यता, मतलब मैं इसी मतलब मान्यता संवेदना यहाँ से जो मेरी कल्पनाशीलता थी वहां इतनी ज्यादा अटक गई थी, और मैं देख पा रही थी कि मैं बुरी तरह से इसमें फंसी हुई हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी। अचानक ये अभी जो UHV1 किया है उसमें एक मोमेंट ऐसा आया, कोई रीजन भी मुझे समझ में नहीं आता, कि मुझे एकदम से ये दिखा कि अच्छा ये मेरी कल्पनाशीलता जो इतने समय से चल रही थी वो पूरी की पूरी संवेदना, और उससे उसको मैं क्या अर्थ दे रही हूँ, उसके पीछे मेरी क्या मान्यताएं हैं, उनके आधार पे थी। और मतलब ये हो ही नहीं पा रहा था मेरे से, जबकि सूचनाएं सारी की सारी आ रही थी, मैं मॉर्निंग सेशन भी सुन रही थी, UHV1 के सेशंस भी सुन रही थी, लेकिन वो मतलब जहाँ छूने चाहिए वहां नहीं छू रहे थे। और अचानक ही एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे कुछ ओपन सा हो गया और सारी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई, और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा आराम की स्थिति में आ गई। तो भैया ये चीज क्यों होती है कि सब जानते बूझते दिख भी रहा है कि ऐसा हो रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो जानते बूझते भी सब कुछ ब्लैक मतलब ब्लैक होल में चला जाता है, सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, तो अच्छी बात है कि हम अपने भीतर ये सब होते हुए देख पा रहे हैं। तो ये ध्यान गया कि ज्यादातर समय हम मानना जो हमारा बन गया है मान्यता में उससे ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन अपने भीतर ध्यान देते देते जानने की भी कुछ क्रिया हुई है ना, जिससे हमको दिखा कि सहज स्वीकार क्या है, व्यवस्था है, अस्तित्व है, संबंध है, सहज स्वीकार चीजें भी भीतर है मान्यता और संवेदना के। ये जो जानने की घटना घटी तक्षण, उससे जो मान्यता बस बहुत सारी चीजें चल रही थी वहां एक विकल्प दिखा, एक तीसरा विकल्प भी है। ऑफकोर्स ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि ये जो तीसरा चीज दिखा ये स्टेबल है, ये बदलता नहीं है, सेल्फ प्रेफरेंशियल है। जब भी हम अपने भीतर ध्यान देंगे हमको वैसा ही मिलता है, करप्ट नहीं होता, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट हम देख पाते हैं। क्योंकि जानने का हम बहुत अभ्यस्त नहीं रहे हैं, मानने तक ऑपरेट होके चलाते रहे हैं, इसलिए बार बार मान्यता के लेवल तक ही हम ऑपरेट होते रहे हैं, जानने पर बहुत फोकस नहीं गया। अभी ध्यान गया है, दो चार बार सफलताएं मिली हैं, अभी हमको इसको और अभ्यास करने की आवश्यकता है कि ज्यादातर अपनी कल्पनाशीलता में जो मान्यताएं ऑपरेट हो रही हैं हम उसको देख पाए, और उसके ऊपर जानने का जो काम है अपने कर पाए, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ पाएगा। जी, बात है आपके हाँ साथ। जी भैया, यहाँ पे बस एक वो लगता है कि वो जो मोमेंट था अब लगता है उसको पकड़ के रखना है, तो वो
मतलब वो कब कब वापस फिसलने लगता है, कब वापस वही वाला पैटर्न में वापस आ जाते हैं, वो भी नहीं पता चलता। मतलब वो जो मोमेंट था तो ऐसा लग रहा था कि बस अब इस मोमेंट को मुझे पकड़ के रखना है, लेकिन उस दिन से और आज शायद 3 4 दिन हुए हैं और लग रहा है कि अब वो मुझे उतनी इंटेंसिटी के साथ भी मेरे रियलाइजेशन में नहीं है। अब वो जो चीज है वो हल्की होने लगी है और धीरे धीरे मैं वापस मतलब मेरे पुराने वाले ट्रैक की ओर जा रही हूँ। तो वो जो एक उस मोमेंट का जो उत्सव था, वो जो एक आंदोलन था, वो धीरे धीरे फिर कम होने लगता है। तो ये भी फिर वो संवेदना वाली ही चीज आ जाती है क्या? तो धीरे धीरे देखेंगे तो ये जो शिफ्टिंग हमारे भीतर हो रही है उसके पीछे भी क्या मान्यता है उस पर ध्यान जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी हमारी जो ये मान्यता है जो कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझे सेल्फ पर ध्यान देना है, सेल्फ में भी मानना और जानना पर ध्यान देना है, हर मान्यता के पीछे जो जानना है, जांचना है, सहस्रवृत्ति है, उस पर ध्यान दे। ये अभी प्राथमिकता पर जितने क्षण था उतने क्षण हम उसको कर पा रहे थे। तो वापस फिर मान्यता जो है बाहर का महत्वपूर्ण है, चीजें बाहर से जो इनपुट आ रहा है वो महत्वपूर्ण है, बाहर की चीजों का व्यवस्थित होना महत्वपूर्ण है, ये महत्व हमने अपनी मान्यता में ज्यादा बना रखा है, इसलिए अनोइंगली बार बार उस पर शिफ्ट होते रहते हैं। एक बार ये ध्यान में आए कि बाहर की चीजें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मैं भी महत्वपूर्ण हूँ और मैं इस क्षण ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ क्योंकि मैंने अभी तय कर रखा है अपने पर ध्यान देकर अपने मानना और जानना को देखने का। तो वहां जितना काम होगा उतना ही मैं बाहर व्यवस्था के अर्थ में कर पाऊँ। और ये शिफ्टिंग यदि बार बार होगी, बार बार हम जानने तक जाएंगे, फिर मानने पे आ जाएंगे, फिर संवेदना मान्यता में ऑपरेट होने लगेंगे, फिर कुछ समय बाद होश आएगा, फिर वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ऐसा कई बार फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे हम ऊपर स्टेबलाइज, एकदम से एक घटना के रूप में नहीं हो जाएगा, बार बार ही ऊपर नीचे होगा, क्योंकि मान्यता और संवेदना बहुत गहरे से अपने भीतर बैठी है और उनको ठीक होने में, उनको मूल्यांकित होने में समय तो लगता है। हाँ जी भैया, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है आवाज। जी भैया, मैं दो चीजों पे ध्यान दिलाना चाहूंगी, दो चीजें पूछना चाह रही हूँ एक्चुअली। जैसे तो अभी दीदी ने कहा कि मॉर्निंग सेशन ले रहे हैं और उसके बाद अब जो ध्यान जाता है वो इस कंटेंट पे ध्यान ज्यादा जाता है। और कई बार भैया जैसे बैठे रहते हैं काफी देर तक चलता रहता है विचारों में, या ये समझ में आता है कि हाँ विचार जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं या क्या, ये जाता है ध्यान, और फिर उसके बाद तुरंत बाहरी जो दुनिया है या बाहर की जो संवेदना है उस पर ध्यान शिफ्ट हो जाता है। तो एक तो भैया मैं भी थोड़ा सा ये क्लियर करना चाह रही थी कि हमको अपने सेल्फ पे ध्यान देने के लिए क्या प्रैक्टिस करें रेगुलर से कि जिससे कि उस पर ध्यान ज्यादा जाए, एक तो भैया ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये है भैया कि जैसे अब जब हम बाहर लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो अगर कोई चिड़चिड़ाहट में है, गुस्से में है, तो इस बात पे ध्यान जा रहा है कि सामने वाला जो है वो स्टेबल नहीं है, उसको कुछ ना कुछ परेशानी है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रही है चीजें, और फिर उसके बाद मतलब मैं शांत रहने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है सामने वाला अगर चिल्ला भी रहा है या इस तरह का बिहेवियर भी दिखा रहा है तो मैं शांत रह के उसको समझू, और फिर जब वो नॉर्मल हो जाए तो तब उससे बात करने की कोशिश करूँ। लेकिन भैया हो क्या रहा है कि जैसे साथ में कई लोग ऐसे हैं कि उनके साथ मैं तो आराम से ही व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम देख पा रही हूँ ऐसा कि सामने वाले को ये लग रहा है कि ये तो कुछ बोलेंगे नहीं और वो इंटेंशनली मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जैसे मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मेरे कॉलेज में एक मेरे साथ में मैडम है, तो वो उसका थोड़ा सा व्यवहार ऐसा है कि वो बहुत रूडली बात करती है, बहुत चीख के बात करती है, बहुत चिल्ला के बात करती है, चाहे बच्चे हो स्टाफ हो ऐसे करके, और मैं थोड़ा सा सॉफ्टली बात करती हूँ तो उसको ये तो लगता ही कि हाँ मतलब मैडम ज्यादा बच्चों से इंटरेक्ट कर रही है या बाकी लोगों से अच्छे से बात करती है। अब मैं उससे भी वैसे ही बात करती हूँ क्योंकि मुझे उसका थोड़ा ये समझ में आता है कि शायद वो अनस्टेबल है घर की परिस्थिति की वजह से या बाकी चीजों की वजह से, तो कोई बात नहीं। और अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि कहीं पे हम लोग बातचीत कर रहे थे एग्जाम में,
तो वो बच्चों के सामने ही बोलने लगी कि मैडम आप रुको यहाँ पे, इस तरह से बात करने लगी। तो मैंने उसको फिर बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है तुम देख लो मैं कर लूंगी। बट भैया उसका जो तरीका मुझे लगा ना कि उसने इंटेंशनली मतलब जानबूझ के वो चाहती है कि मुझे कोई और बोले। तो इस इन तरह की चीजों को भैया कैसे डील करूं कि मैं तो चाह रही हूँ कि मैं स्टेबिलिटी में रहूं, दूसरे के साथ ठीक से व्यवहार कर पाऊं, लेकिन ये भी दिखाई पड़ रहा है कि दूसरा ये भी जानता है कि कुछ बोलेंगे नहीं, और उसके बाद भी दूसरा इंटेंशनली किसी और से या किसी और तरीके से, वो खुद तो नहीं कह पा रहा है लेकिन वो दूसरे से ये चीज कहलवा के मुझे इस तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे ये चीज समझ में आ रही है। तो भैया इसको कैसे मैं डील करूं, प्लीज आप बताइए। भैया मेरी बात पहुंची क्या? हाँ जी, आपकी बात पहुंची। और मुझे तो जो पहला प्रश्न है आपको काफी महत्वपूर्ण लगता है, दूसरा भी महत्वपूर्ण है लेकिन पहला ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले पे जितना काम कर पाएंगे दूसरे तरह की चीजों को हम हैंडल कर पाएंगे। ये जो पहला प्रश्न है कि हम अपने पर अधिक से अधिक समय ध्यान कैसे बनाए रख पाए, तो जी भैया उसके लिए हम लोग दो तरह के अभ्यास को कर रहे हैं। एक तो जो ये सुबह का 17 घंटा लगा रहे हैं उसमें 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जो बैठ के अभ्यास करते हैं। एक तो ये काम कर रहे हैं कि उस समय हम इस बात की प्रायोरिटी को अपने भीतर सेट करके देखें कि इस क्षण बाहर कोई भी घटना घट रही है, शरीर में कोई घटना हो रही है, वो सब अभी इस क्षण मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे कल्पनाशीलता में जो चल रहा है वो महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण हूँ, इस क्षण मुझे उस पर ध्यान देना है, बाकी चीजों पर तो बाकी समय ध्यान दे दें। तो एक अभ्यास जी तो भैया इसको हम ठीक से बना के करें। फिर 24 घंटे का जो हमारे पास समय है, 23 घंटे जो बचे उसमें कहीं आधे घंटे का 1 घंटे का विंडो निकलता है, चाहे एक साथ चाहे अलग अलग टुकड़े, उस समय हम थोड़ा आराम से बैठे स्थिर होकर और पूरी तरह से तय करके बैठे कि इस क्षण तो इतने क्षण जितने क्षण हम बैठने वाले हैं मैं महत्वपूर्ण हूँ और मुझे अपने पे ध्यान देना है, बाकी चीजों पर बाद में ध्यान देना। तो धीरे धीरे मैं प्राथमिकता पे प्रायोरिटी पे आने लगता हूँ और अपने भीतर चीजें दिखने लगती हैं और उसमें क्या सहज स्वीकार है वो भी दिखने लगता है और फिर हम उसको अकॉर्डिंगली व्यवस्थित कर पाते हैं, तो अपने भीतर हार्मनी के क्षण भी बढ़ने लगते हैं। तो जिस क्षण भी हमको ये दिखता है कि इस प्रक्रिया में हमारे भीतर हार्मनी के क्षण घट रहे हैं, हम आराम में आ रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, तो ज्यादातर क्षण इस अभ्यास को करने का अपने भीतर से ही तत्परता बनने लगती है। फिर हम जो दिन का हमारे पास समय है उसमें जब जब हमको 5 मिनट, 10 मिनट कहीं भी निकलता है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो हम बार बार 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए अपने ऊपर, अपने भीतर, अपने पे फोकस होने का काम कर लिया, तो दिन भर में ये 10 बार 20 बार होने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे हम इस जगह भी पहुंच पाएंगे कि बाहर जो बातचीत कर रहे हैं, बाहर जो चल रहे हैं, ये सब करते समय भी पूरी तरह अपने पर ध्यान बनाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप इस तरह से धीरे धीरे हम अपने अवेयरनेस को अपने ऊपर बनाए रखते हुए बाहर इंटरेक्ट करने की जगह पर पहुंच सकते हैं। वो सी की यात्रा है जो धीरे धीरे, अब इसी को देखेंगे दूसरे प्रश्न के संदर्भ में भी ये बात देख पाएंगे कि ये जो दूसरा आदमी हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है हम उसको किस मान्यता के साथ देख रहे हैं। तो एक मान्यता ये हो सकती थी कि वो हमको परेशान कर रहा है, उसके साथ देख सकते। एक मान्यता ये भी हो सकती है कि वो परेशान है इसलिए हमको परेशान कर रहा है, एक मान्यता हो सकती। या ये हमारे जानने में आ गया है कि जब मैं हार्मनी में होती हूँ तो बाहर हार्मनी में व्यक्त ही होती हूँ, जब मैं खुद में बेचैन रहती हूँ तो बाहर बेचैन, बेचैनी को व्यक्त करती, तो ऐसे ही उसके साथ। तो वो जो कर रहा है वो इंटेंशनली कर रहा है या अंदर से बेचैन होके अपनी बेचैनी को व्यक्त कर रहा है, ये बात मेरे मानने तक ही है कि जानने में आ गई है, वो अपने भीतर जरूर उसको एक्सप्लोर करके देखने की जरूरत है। दूसरा, इसको भी एक्सप्लोर करके देखने की जरूरत है कि कहीं एक दूसरे तरह की मान्यता तो मेरे भीतर नहीं काम करने लगी। एक और मान्यता होती है, इस लेवल तक अगर किसी का इग्नोरेंस है या डोमिनेंस है तब तो मैं रिएक्ट नहीं करूं, लेकिन बच्चों के सामने या किसी और के सामने किसी ने मेरे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश की तो फिर मैंने हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूली, अभी बता दूंगी उसको क्या ठीक है।
इस तरह की मान्यता तो बैकग्राउंड में मेरे भीतर काम नहीं कर रही है, तो ये तो सजग होकर आप ही को अपने भीतर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस मान्यता के तहत आपने ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, कुछ संभावनाएं मैंने व्यक्त। जी भैया, जैसे आपने कहा ना कि सामने वाले की जो ये वाली मान्यता है कि सामने वाला अभी खुद स्टेबिलिटी में नहीं है और उस वजह से वो रिएक्ट कर रहा है, ये बात समझ में आ गई है। और ये मतलब ये समझ में आती है मुझे, ये भी लगता है कि सामने वाला ये भी देख रहा है कि ये तो बहुत स्टेबल है और मैं स्टेबल नहीं हूँ, तो उसका भी कहीं ना कहीं अंतर विरोध चल रहा है, जिसको कि उसको जब टाइम मिलता है तो दिखाने की कोशिश करता है। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है, मुझे ये बात समझ में अगर आ गई है कि सामने वाला जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट वो क्योंकि स्टेबल नहीं है, क्योंकि इस तरह से नहीं है इसलिए वो ये कर रहा है, ये भी समझ में आ गई। पर प्रॉब्लम ये आ रही है भैया कि जो वो आपने कहा ना कि हथियार चलाने वाली बात, कि हथियार है और मैं चलाना भूल ही नहीं हूँ और मैं उसे चलाऊं, बट मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अगर वो हथियार चलाऊं भी तो इस तरह से चलाऊं एटलीस्ट कि सामने वाले को ना मैं समझा पाऊं। तो भैया वो नहीं समझ आ रहा कि उसको मैं किस तरह से अपनी बात रखूँ कि उसको समझ में आ जाए। इसी बात को मैंने कहा कि समझा पाऊं से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझ पाऊं, समझ के ही जी समझा भैया, पाऊंगा। मैं समझ पाई हूं तो उसका पहचान ये है कि उस समय जिस समय वो व्यक्ति वैसा घटना कर रहा है, हमारे अंदर डिसहार्मनी नहीं हो रही, हम बेचैन नहीं हो रहे हैं। अगर हम बेचैन हो रहे हैं तो दूसरे को समझाना उस क्षण सेकेंडरी काम है, अपने में समझ में कोई बात अधूरी रह गई है उसके कारण बेचैन हो रहे हैं। ये बात ध्यान में अगर आ जाती है तो हम उस क्षण भी अपने भीतर उस घटना को के साथ अपने भीतर ध्यान देकर अपनी मान्यता और जानने का काम को आगे बढ़ाकर अपने बेचैनी को तो दूर कर ले, तो हमारी बेचैनी दूर हो गई। अब उस आदमी को रिप्लाई करना है, रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्स करना है, अभी समझाना है, 2 दिन बाद समझाना है या अभी नहीं समझाना है, ये सब मेरे लिए च्वाइस की तरह उपलब्ध हो जाता है। फिर उसको कुछ बोलना या छोड़ना या इग्नोर करना ये मेरी मजबूरी नहीं रहती, क्योंकि तो मेरी बेचैनी अंदर से मैंने उसको ठीक कर लिया है। तो अभी आप अपने भीतर उसको जांच के देखिए कि आप अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए उसको समझाना चाहती हैं, या आपने अपने समझ के आधार पर अपनी बेचैनी को रिजॉल्व कर लिया है। अब आप एक च्वाइस की तरह परिस्थितियों का आकलन करके देख रही हैं कि कब वो समझने की स्थिति में है, वो मुझसे समझना भी चाहती है कि नहीं चाहती। अगर समझना नहीं चाहती है तो समझने की जगह पे आ सके, ये सबका कैलकुलेशन करके चॉइस के साथ इसको करने जा रहे हैं। क्या स्थिति है वो तो आप इसको अपने भीतर ऑब्जर्व करके देखना होगा। जी भैया, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत समझ में आई बात, थोड़ा उस पर और ध्यान देने की कोशिश करूंगी और ध्यान दूंगी। नमस्ते, सभी को नमस्ते। भैया ये पूछना चाह रहे हैं कि जो कल्पनाशीलता पर हम लोग अब ध्यान देने का जो अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें आज से 10-20 साल पहले विद्यार्थी जीवन के समय में कुछ घटनाएं जैसे फिल्म की तरह गुजर जाती हैं। जैसे आप लोग बताते हैं ना कि उसमें मतलब हम लोग नदी के किनारे बैठ करके धारा को बहते हुए देख रहे हैं या उसमें कूद गए, मतलब उससे प्रभावित होने लगे, जिसके लिए कि सर शुद्ध दृष्टा कहते हैं। तो खैर उस शब्द पे अभी उतना मुझे ध्यान नहीं देना है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि 10-20 साल पहले वाली घटना, विद्यार्थी जीवन वाली घटना जब फिल्म की तरह गुजरती है, तो उस समय मैं देख पा रही हूँ कि उस समय जितना उससे प्रभावित हो गए थे उतना अब नहीं उससे प्रभावित हो रहे, वो गुजर गई, सामने से कल्पनाशीलता पे ध्यान लगाया तो गुजर गई। तो मेरा पूछना ये है कि क्या मैंने उसको सेटल कर लिया है अपने समझदारी से, या फिर विरोध या कुछ अन्यथा भाव या अनर्गल भाव हमारे अंदर प्राकृतिक नहीं है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए अब वो क्षीण हो गया है, निर्बल हो गया है, क्या हो गया, इसको कैसे देखें, ये चीज पूछना चाह रहे थे भैया आपसे। जी, तो जब जी भी उस तरह की चीजें गुजर रही हैं, अगर हम उससे एक्साइटमेंट में या डिसहार्मनी में जा रहे हैं, दोनों ही एक तरह से डिसहार्मनी ही है, एक्साइटमेंट और कंट्राडिक्शन में जा रहे हैं, तो ये डिसहार्मनी है। तो अगर हम डिसहार्मनी में जा रहे हैं, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि अभी वो पूरी तरह से ठीक से सेटल नहीं हुआ है, लेकिन वो गुजर जा रहा है।
और हमारे हारमोनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं आ रहा, हम उसको ठीक से मूल्यांकित करके देख पा रहे हैं कि क्या ठीक है और वैसा जी अपना भाव विचार बनाए रख पा रहे, जी तो हम रिजॉल्व कर लिए। सिंपल, उसका एक इंडिकेटर है। जी 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 भैया, धन्यवाद भैया, सभी का धन्यवाद जी भैया। कल ये बात हुई थी, चैतन्य को भी समझना है, जड़ को भी समझना है, अस्तित्व और शून्य को भी देखना समझना है। तीनों को देखने समझने वाला मैं हूं, तो मैं ही दृष्टा हूं, सेल्फ ही दृष्टा है, चैतन्य ही दृष्टा है। आंखें यंत्र है, आंखें देखने वाली नहीं, देख तो मैं ही रहा। तो अभ्यास वन को हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें चैतन्य को चैतन्य के द्वारा देखना है। तो ये जो जीवन की शक्तियां हैं उसका अंतर नियोजन करना है, प्रत्यावर्तन करना है। प्रत्यावर्तन का मतलब अपनी तरफ लौटना है, अंतर नियोजन का मतलब ये जो बाहर की चीजों पे नियोजन कर रहे थे बाहर देखने के लिए, अब अपने को देखने के लिए अपने पर ही अपने जीवन शक्तियों का नियोजन करेंगे। जीवन शक्तियां मतलब इच्छा विचार आशा, सब जीवन शक्तियां हैं, उनको हम अपने को ही देखने के लिए नियोजित करेंगे। ये आशय है चैतन्य को चैतन्य से देखने का, अर्थात अब हम अपनी कल्पनाशीलता को ही समझने का विषय वस्तु बना रहे हैं कि उसमें चल क्या रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसके सोर्सेज क्या है। तो अब हम आप बाहर को ध्यान देने की जगह अपनी तरफ प्रत्यावर्तित हो रहे हैं, अपनी तरफ लौट रहे हैं, और अपनी जो कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता अपने को ही समझने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे लगा रहे हैं। इस कह रहे हैं चैतन्य को चैतन्य के द्वारा देख। इस प्रक्रिया में हमको आंखों का प्रयोग करने का बहुत जरूरत है नहीं, तो हम चाहें तो आंखों को खुला रख सकते हैं या बंद भी रख सकते। तो ये जो अपने को हम देखने का काम कर रहे हैं, अपनी कल्पनाशीलता को देखने का काम कर रहे हैं, तो ये भी जांच कर देखिए कि अपनी कल्पनाशीलता को देखने के लिए, अपने को देखने के लिए आंखों की मुझे आवश्यकता है क्या। ध्यान आता है कि हम आंख बंद किए रखें या खुले रखें, दोनों ही स्थिति में हम अपनी कल्पनाशीलता को देख सकते, समझ सकते, उसको व्यवस्थित करने का काम कर सकते। तो आंखें खुले रखना या बंद रखना, या आधे खुले रखना या आधा बंद रखना, सब ये सब मेरी चॉइस, मैं जिस भी चॉइस को ऑप्ट करना चाह कर सकता। सामान्यतः जब हम आंखों को खुला रखकर अपने तरफ ध्यान देने का काम कर रहे होते हैं, तो शुरुआती स्टेज में कई बार ये जो पहले का हमारा अभ्यास है बाहर की दुनिया को ज्यादा महत्वपूर्ण मानना अपने से, उस अभ्यास में बार बार जो आंखों के सामने दृश्य बनता है उस पर ध्यान चला जाता है, और बार बार उसी का विश्लेषण के बारे में कल्पनाशीलता चलना शुरू किया। इसलिए जब तक हम इस योग्यता को नहीं विकसित कर पाए हैं कि हम आंखें खुला भी रखे हैं, तो अपने पर जो ध्यान गया है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और उस पर बनाए रखेंगे। तब तक अगर हमारा च्वाइस ये हो सकता है कि हम थोड़े समय आग बंद करके भी अपने पर ध्यान देने की अभ्यस्त हो सके, फिर जब स्टेबिलिटी बन जाए तो आप खोल के भी ध्यान दे सके। बट ये च्वाइस आपके पास हो, इसमें जिस भी तरह से हम अपने पर ध्यान देने के लिए ठीक समझते हैं, हम वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते। दूसरा, जब कल्पनाशीलता पर ध्यान देना है, अपने पर ध्यान देना है, तो हमको शरीर की जो आंख है, जो ऑर्गन है, उसका तो बहुत प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं ही है, लेकिन बाकी भी किसी और हाथ का, पैर का या किसी और ऑर्गन का बहुत प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए अभी मेरी चॉइस है कि मैं आराम से बैठ सकता हूँ, टहलते हुए भी ध्यान दे सकता हूँ, खड़े होकर भी ध्यान दे सकता हूँ, किसी निश्चित मुद्रा में बैठ करके भी ध्यान दे सकता हूँ। लेकिन किसी निश्चित मुद्रा में ही बैठकर कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया जा सकता है, ये जरूरी नहीं। आप बैठ करके भी, लेट करके भी, खड़े होकर भी, टहलते हुए भी अपने कल्पनाशीलता पे ध्यान दे सकते। तो आप ही को चॉइस करना है
कि आप किस तरह से अपने भाव विचार को देखने में ज्यादा था, तो कोई पर्टिकुलर आसन लगाकर या बैठ कर या खड़े होकर या लेट कर, जो भी ऑप्शन आप, बस ये ध्यान रहे कि कई बार जब आप लेट कर कल्पनाशीलता पर ध्यान देते हैं तो सो भी जाते, तो वो योग्यता हासिल हो गई। जब आप टहल रहे होते हैं तो कई बार बाहर दुनिया के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें बह जाते हैं और अपने पर से फोकस हट जाता है, तो आप उसको जरूर अपने बारे में कैलकुलेशन कर ले, ऑब्जर्वेशन मूल्यांकन कर ले कि आपकी क्या, अगर टहलते हुए लेट कर बार बार बाधा हो रही है, एक स्थिरता के साथ बैठकर अभ्यास कर सकते हैं, फिर लेट कर टहलते हुए भी कर सकते हैं, बट ये चॉइस है। लेकिन बैठते हुए भी किस पोस्चर में बैठेंगे, कौन सा आसन लेंगे, ये सब आपकी चॉइस, क्योंकि आप जिस भी पोस्चर में बैठे, जिस भी आसन में बैठे, कल्पनाशीलता तो चलती रहती, हम उसको ध्यान देने का निर्णय लेते देख सकते हैं। तो जिस भी पोस्चर में, जिस भी आसन में आप ज्यादा देर तक स्थिर आराम से बैठ सकते हैं, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, बदलना हो बदल सकते हैं, तो ये आपका चॉइस है। तो महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने की, जब हम अपनी कल्पनाशीलता को देखने जा रहे हैं तो हमें आंखों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं, तो आंखें खुली रखना, बंद रखना, आधा खुला आधा बंद, ये सब हमारी चॉइस। ऐसे ही मैं उसको बैठ के जब करने जा रहा हूँ तो कौन से आसन में बैठूं, ये सब भी मेरी चॉइस, किसी भी आसन को चुनकर बैठ कर कर सकते, धीरे धीरे तो चलते टहलते दौड़ते खाते पीते हर समय उसको कर सकते। दो महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने किस तरह से कल्पना से देखना है उसके सपना। अब अपने को अपने पर ध्यान देने का काम करना है कि मैं खुद को देख रहा हूं, अब अपने प्रति सजगता को बढ़ाना, अपने प्रति सजग रहना, अर्थात हमारी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है वो देखना है। तो जो कुछ भी मेरी कल्पनाशीलता में चल रहा है, मेरी इच्छा विचार आशा में चल रहा है, उसको देखना है, सिर्फ देखना है, उसको रोकना नहीं, जो उसमें चल रहा है उसको फोर्सफुली बदलना नहीं, जैसा चल रहा है वैसा सिर्फ देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ अपने कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उसको देखने का एक निर्णय बनाकर बना लेंगे और उसको देखते रहेंगे, उसको अच्छा या खराब नहीं मानेंगे, तो उसको रोकने का या उसके विषय वस्तु को फोर्सफुली बदलने का कोई एफर्ट नहीं करेंगे, उसको मूल्यांकित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है तो भी देखते रहेंगे, जिगजैग चल रहा है तो भी देखते रहेंगे, हार्मनी में है तो भी देखते रहेंगे, एक्साइटमेंट है, कंट्राडिक्शन है, जड़ पे चल रहा है, चैतन्य पे चल रहा है, दूसरे व्यक्ति के बारे चल रहा है, पास्ट के बारे चल रहा है, फ्यूचर के बारे चल रहा है, कल के बारे, आज जिस भी विषय वस्तु पे चल रहा है, हम उसमें फोर्सफुली कोई बदलाव करने की या रोकने की या अच्छा खराब मानने का प्रयास, सिर्फ अवेयर रहेंगे कि हाँ ये चल रहा है, ये खराब है या अच्छा है ये मुद्दा नहीं, जो चल रहा है मैं उससे अवेयर हूं कि नहीं ये मुद्दा है, जो भी चल रहा है अब हर क्षण जो मेरे भीतर चल रहा है, जितनी देर के लिए भी मेरे संन्यास को कर रहा है, प्रत्येक क्षण में उसके जो भी चल रहा है मैं अवेयर हूं कि नहीं। कल्पनाशीलता में कोई भी ऐसा विषय वस्तु तो नहीं गुजर रहा है जिसके प्रति मैं अवेयर नहीं, तो जो कुछ भी चल रहा है इस कल्पनाशीलता, अच्छा खराब अभी मुद्दा नहीं है, 100% उसके बारे अवेयर हो जाना, सजग हो जाना ये मुद्दा है। तो अब हम लोग अगले 5 मिनट इस अभ्यास को थोड़ा स्थिर होकर करेंगे, हम आराम से कहीं अपने पर ध्यान देने का काम शुरू करें और ये कोशिश करें कि अगले 5 मिनट फुल अवेयरनेस के साथ अपनी इस कल्पनाशीलता को देख सकें, बिना कोई प्रतिक्रिया, बिना कुछ होके, बिना कुछ बदलाव। तो
अगले 5 मिनट में अपनी तरफ से आपको वो कोई इनपुट और अपेक्षा करूंगा कि हम लोग अगले 5 मिनट फुल्ली अपने पर ध्यान। आज हम लोग इस अभ्यास को दिन में कभी समय निकालकर आधा 1 घंटा करेंगे। अभी जितना हम लोगों ने किया पिछले 4-5 मिनट को, उसमें जो भी आपके रिफ्लेक्शंस हैं ब्रीफ में उसके बारे में सुन लेते हैं। तो नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया अभी मैं एक्चुअली वो गार्डन में चलते चलते सुन रहा था, तो आपने 5 मिनट का जो टाइम दिया तो एक कन्वीनियंट प्लेस पे मैं बैठ गया। बैठे बैठे आई वॉज ऑब्जर्विंग माई सेल्फ इन इन साइड। मे बी आफ्टर 1 मिनट सडनली मेरी आंखों के सामने कुछ समबडी वॉज वॉकिंग, सो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग दैट फेलो एंड देन हाउ इज वॉकिंग, वाई इज वॉकिंग हियर एटसेट्रा। थॉट्स स्टार्टेड सडनली आई रियलाइज I have shifted to other objects. So I came back, again started observing inside. So then I thought, because my eyes are open, that's why I am able to see and shifting. So I closed my eyes and then I could observe myself within. So अभी मेरा एक तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, दूसरा कि क्वेश्चन ये बनता है कि वेदर टू बी ऑब्जर्व विथ ओपन आईज और क्लोज आईज। दोनों ही चॉइस उपलब्ध है। अगर हम ओपन आइज के साथ भी अपने पर फोकस बनाने के लिए पोटेंशियल योग्यता जो है हमने डेवलप हो गई है तो हम ओपन आइज से उसको कर सकते हैं, हमें किया जा सकता है, कर भी पाते हैं उसको ओपन आइज से भी। और अगर अभी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, आइज ओपन करते ही ध्यान बाहर चला जा रहा है, तो कुछ समय हम अपने को क्लोज आइज के साथ कुछ दिन कर लें, फिर ओपन आइज के साथ कर सकते हैं। जी भैया ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया मेरा भैया मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी कल्पनाशीलता में जो भी कुछ क्षण पहले या जैसे कि कल जो भी हुआ, जैसे कल दिनचर्या में हमने जिससे भी बातें की या जो भी हुआ, वही सब चीजें चलती है। तो जैसे कि फिर अगर वो पॉजिटिव चीजें हो रही हो, जैसे किसी के साथ अच्छा व्यवहार हुआ हो तो अच्छा चलता है, खराब व्यवहार हुआ हो तो वो भी चलता है। उस हिसाब से हमारे अंदर भाव विचार उत्पन्न होते हैं। तो जैसे मैंने ये देखा कि जैसे अच्छा विचार जो है वो हमें भी बहा के लेके चला जाता है, जो जैसे किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ तो वो भी हमें उसमें बहा के लेके चला जाता है। तो बेसिकली माइंड का जो काम है, जो हो रहा है उसको बार बार रिपीट करना, मुझे ये दिख रहा है कि बार बार वही कल्पनाशीलता में चलता रहता है। तो उसको अगर एक दिशा दे, एक सोच दे कि इसको कंट्रोल नहीं करना है, इस चेंज करना है कि हर टाइम माइंड में कोई चिंतन दे दे कि हमें ये चिंतन करना है, तो वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्या भैया मैं सही जा रही हूँ? अभी तो दीदी इस बात को जो आप कह रही हैं उसको रोकने के लिए कह रहे हैं। अभी तो पहले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अवेयर रहें कि चल क्या रहा है ना। जो चल रहा है अच्छा है बुरा है, हारमोनियस है डिसहारमोनियस है, पास्ट का है फ्यूचर का है, ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है। अभी हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो चल रहा है हम उसके प्रति अवेयर रहें कि अगर हमने 10 मिनट के लिए निर्णय लिया है रह सकें। इसको करेंगे फिर आगे अगले स्टेप में और क्या करना है उस पर बात करेंगे, बट अभी तो अपना फोकस ये है कि हमारा अवेयरनेस मैक्सिमाइज हो सके। जी 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 भैया जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं ऑब्जर्वेशन में ही देख रहा हूँ कि कभी कल्पना शक्ति में जो भी चल रहा है तो उस वक्त मैं B1 ब्लॉक में रहता हूँ, और जो चिंतन और चित्रण है उसके बीच में
मेरे जो विचार है वो चल रहे होते हैं। तो मैं चैतन्य से जो स्वयं को देख रहा हूँ, और चैतन्य और स्वयं के द्वारा मैं जब स्वयं को देखता हूँ, तो उसके बीच में मुझे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि मैं B1 और B2 ब्लॉक में मेरी कल्पना शक्ति चल रही है। शुक्रिया भैया। क्या ये मैं सही है या मेरी समझ इस पे, क्या मुझे तो थोड़ा आप मुझे ध्यान दें। जी ठीक है भैया, अभी तो और अवेयरनेस हम बढ़ाएं कि हर क्षण जितनी देर हम फोकस कर रहे हैं, हर कल्पनाशीलता के प्रति अवेयर रह पाए, फिर वो B1 ब्लॉक से चल रही है या मान्यता से चल रही है कि संवेदना से चल रही है, इन सब चीजों को आगे आने वाले स्टेप्स में देखेंगे। अभी तो अपना फोकस इसी पे बना के रखें कि उसमें चल क्या रहा है, हम अवेयरनेस। जी किसी साथी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि आंखें खुली रहती है तो हम अपने आसपास पे हमारा फोकस रहता है, आंखें बंद करते हैं तो रूस यूक्रेन के वार पे पहुंच जाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों स्थिति में ध्यान तो बाहर ही है। ये बात तो ठीक है कि दोनों स्थिति में ध्यान बाहर के ऑब्जेक्ट के बारे है, तब उसको अपने भीतर ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब रूस और यूक्रेन के बारे में मेरी कल्पनाशीलता मेरे में चल रही है और मैं देख रहा हूँ तो उसमें मेरा भाव क्या है, मैं किस बात पर फोकस कर रहा हूँ, बाहरी ऑब्जेक्ट के बारे या उससे जो जुड़ा हुआ मेरा भाव है वो क्या है। तो इनिशियली जो भीतर चल रहा है, भले रूस के लिए यूक्रेन के लिए उतने के प्रति भी अवेयर बने रहते हैं, तो धीरे धीरे मेरा भाव क्या है इन सब चीजों के बारे उसको भी देख पाते। तो हाँ भैया, इसमें बताया जैसे समय हाँ हो चुका है। भैया, थोड़ा सा बस जी 2 सेकंड में बोलूंगी भैया। जैसे जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो इसमें मैं शांत आंख बंद करके बैठती हूँ तो मेरा बाहर की तरफ तो ध्यान नहीं जाता, लेकिन अपने अंदर ही रैंडमली कभी कभी ध्यान में विचार चलते हैं और कभी कभी जैसे वो स्क्रीन सेवर टाइप के रैंडम विचार आने लगते हैं, फिर जैसे मैं उनमें खो जाती हूँ, फिर मुझे वापस मुझे लगता है खुद को करती हूँ कि मुझे ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो बाहर की तो कोई चीज के बारे नहीं सोचती हूँ। दूसरी इसमें यह चीज होती है कि जब तक कि नॉर्मल विचार चलते जब तक कि कोई दिक्कत नहीं होती, अगर कभी किसी से कोई विरोध का नया पुराना पिछला कोई भी ध्यान आता है तो अनिजी स्थिति हो जाती है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था भैया, मतलब अब तक जब जब भी मैंने ये किया है अभ्यास, जी, बस तो यही बोलना था इसके इस बारे बार में। जब इस अभ्यास को कर रहे हैं तो ये जो विरोध है, ये जो और चीजें हैं, वो हैंडल कैसे होंगी, अभी कुछ दिन और इसको कंसर्न में या इम्पोर्टेंस देकर नहीं लाते हैं, तो 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, सप्ताह भर बाद इसको फोकस में लाएंगे। अभी तो इस बात को फोकस में लाइए कि इस बार आपका अवेयरनेस और फोकस हो सके, कि अगर 10 मिनट भी आप बैठी हैं तो 10 मिनट में कोई भी कल्पनाशीलता में कोई भी इच्छा विचार आशा ऐसी नहीं गुजरी जिससे आप अवेयर नहीं, हर एक के प्रति अवेयर हैं और कोई प्रतिक्रिया भी आप नहीं कर रहे हैं। हर बार है ना, उसको दूर से खड़े जैसे देखते हैं वैसे देख पा रही हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये विरोध चल रहा है तो हम इन्वॉल्व होके अच्छा भी बताते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं, अवेयर रह रहे हैं। इतने का अभ्यास कुछ दिन करेंगे, फिर जो आगे की बात है कि वो हैंडल कैसे होगा, क्या उसकी प्रक्रिया हो, उस पर स्टेप बाय स्टेप बात करें। लेकिन अभी तो हम सब लोग अपने अवेयरनेस को पूरी तरह से बढ़ा सकेंगे। जी भैया, धन्यवाद भैया। तो आज को कंप्लीट कर सकते हैं। जी, धन्यवाद भैया। बहुत ही सुंदर चर्चा रही है आज, तो सभी साथियों का इस सत्र में उपस्थित रहने के लिए भी धन्यवाद।